हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न, झटपट से तैयार और फैमिली के साथ एंजॉय करें। एक चम्मच घी या ऑयल ले लें, उसके अंदर हाफ चम्मच हाफ टी स्पून नमक डाल के मैंने उसको मिक्स किया। मैं पिंक कलर के पॉपकॉर्न तैयार करूँगी। इसमें आपने थोड़ा सा पिंक कलर भी साथ में डाल देना है नमक के, और उसको थोड़ा सा हलाएं। अब इसके ऊपर आपने ढक्कन दे देना। आँच आपने मीडियम रखनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत कम। अगर तेज़ रखेंगे तो एकदम से वो जल जाएंगे। और इसके लिए जो हम मकई यूज़ कर रहे हैं वो आम मकई, जो आप भुट्टा खाते हो ना, वो वाली मकई नहीं होती, ये थोड़ी सी छोटी होती है। उसके मुकाबले में कह लें कि आधा दाना होता है, बहुत छोटी सी मकई होती है, आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल होगी, आप इसको बाज़ार से मंगवा सकते हैं। इसी तरह आप इसको ये देखें कि ऐसा ऐसा ये बनते चले जाएंगे। साथ में आपने इसको थोड़ा सा हलाते जाना, उससे जो दाने होंगे वो नीचे आएंगे बेस में, और मज़ीद जो है अगर कोई रह भी जाता है तो वो बेस में आके तो फिर बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा हलाएंगे नहीं तो वो जो ऊपर आ जाता है ना वो फिर बनेगा नहीं, और आधे कच्चे और आधे पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। इस तरह ये सारे आप देख रहे हैं किस तरह बड़े अच्छे अच्छे पटक पटक के बन रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं इसके, बड़े अच्छे से तैयार हो रहे हैं। अब वो जो हमने पिंक कलर डाला था उसको उसमें मिक्स अप करने के लिए थोड़ा सा मैं उसको हला दूँगी, ताकि वो उसमें सारा जो है उसके अंदर मिक्स अप हो जाए। इस तरह आपने उसको मिक्स कर देना है। अब ये तकरीबन मुझे लग रहा है कि तैयार हो गए हैं, तो इसको फिर भी एक दफ़ा हला के जो इसका कलर हमने डाला है इधर उधर हुआ है वो इसके ऊपर थोड़ा सा लग जाएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं। तो ये देखें अभी भी पटक रहे हैं, उछल रहे हैं, और इसको मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा हला के चेक कर लिया, कोई दाना वगैरह तो नहीं रहता, लेकिन अभी भी वो उसमें से उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। कोई एक आध जो दाना रह जाता है वो फिर भी छलांगे मार रहा होता है, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन सभी तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे से बन गए। एक मुट्ठी पॉपकॉर्न कॉर्न के साथ एक बाउल भर के आप पॉपकॉर्न तैयार कर सकते हैं, और तकरीबन आधा घंटा आप इसको एंजॉय करें अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जब तक चाहे बैठ के आप बातें करें, पॉपकॉर्न आप साथ में लें, इसको इजीली बनाएं। सारे स्नैक से ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा झटपट बनने वाला यही है, और इसको आप इंजॉय करें।